गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम अब क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 5 है, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉर्न। तो पहले तो इन्वर्टेड कॉर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इन्वर्टेड कॉर्न मतलब कि एक ये ठीक है। अब क्या है कि इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड द इट्स हाइट इज़ एस एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर रेडियस इज। इट इज़ फिल्ड विद अ वाटर अप टू ब्रीम व्हेन लिड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ फियर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन टू द वेसल। मतलब क्या है, देखो ये है, यहाँ तक पानी है ठीक है, पानी भरा हुआ है वहाँ तक। अब जैसे जैसे लेड शॉट्स डालते हैं ना, वैसे वैसे पानी ऊपर आता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है ठीक है। तो लेड शॉट का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है ओके। तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का ठीक है। तो ये वॉल्यूम और स्फेरिकल लेड शॉट है उसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो बाहर जो फ्लो हुआ है वो क्या है, 1/4, मतलब टोटल वॉल्यूम जो कोन का है उसका 1/4 बाहर गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr² h। सो इट्स 1/3 × π को रहने ही दो ठीक है। इट्स 5 × 5 × हाइट क्या है 8। तो 5 8 ज़ा क्या है 40, 45 ज़ा क्या है 200। सो इट्स 200π/3 ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³। सो इट्स 4/3 × π को रहने ही दो ऐसे के ऐसे ही, और 0.5³ ओके। तो ये होगा 4/3 × π × 5/10 × 5/10 × 5/10। तो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा ये 2 5 ज़ा ठीक है। 5 और 5 कट, यहाँ पे 5 और 5 कट हो गया और ये होगा 5 2 ज़ा। तो अल्टीमेटली ये क्या आया, π/6 cm³। जो वॉल्यूम है कोन का ठीक है, उसका 1/4 फ्लो हुआ बाहर ठीक है। तो ऐसे कितने लेड शॉट्स डाले होंगे उसके अंदर, तो इसके लिए सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 × वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 200π/3 ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 50। सो दिस इज़ नथिंग बट 50π/3। एट नंबर ऑफ लीड शॉट्स पी एन, तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज व्हाट, π/6। सो वॉल्यूम ऑफ 5 lead shot इज़ वॉट n π/6।
दिस इज इक्वल टू 50 पाई बाय 3, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं आगे फर्दर, तो n इज इक्वल टू 50 पाई इंटू 6 होल डिवाइड बाय पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 3 तो है ही, तो 3 2 ज़ा, सो n इज इक्वल टू व्हाट, 100। मतलब कि 100 लेट शॉट्स डाले हैं तब जाके 1/4 वाटर फ्लो हुआ है ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। मतलब कि सिलेंडर है, ठीक है, उसका हाइट है 220 सेंटीमीटर, डायामीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, मतलब C2 ले लो, उसका हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, दो सिलेंडर है, एक अंदर है जिसको हम लोअर सिलेंडर कहेंगे और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसको हम अपर सिलेंडर कहेंगे। मतलब कि ये लोअर और ये क्या है, अपर सिलेंडर। देखने जाओ आप तो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम में ये दोनों सिलेंडर का फाइंड करके मैं उसको प्लस कर दूँगी, ठीक है, लेकिन हाँ रेडियस और हाइट दोनों का अलग रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मास ऑफ द पोल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो जो क्यूब आएगा उसका कितना होगा, ठीक है, वो हम यूनिटी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ C1 क्या है, यहाँ पे पाई हमें 314 लेना है, पाई आर स्क्वेर 12 × 12 × h 220 प्लस पाई आर स्क्वेर × h 60। तो देखिए ये तो पहले 3.14 कॉमन निकला, फिर यहाँ से और ये दोनों में से 4 कॉमन निकालो, और ये इसमें से और इसमें से 4 कॉमन निकालो, मतलब कॉमन क्या निकलेगा, 4 4 ज़ा 16, दो बार 4 निकाला कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 × 220 प्लस यहाँ पे होगा 4 मतलब 2 × 2 × 60, ठीक है। अब 3.14 × 16 × यहाँ और यहाँ, ये दोनों में से क्या निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो 3 × 3 × 110 प्लस 2 × 2 × 30, फिर अगेन 3.14 × 16, अगेन 2 निकालोगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा, सो 3 × 3 × 55 प्लस ये होगा 2 × 2 × ये हो जाएगा 15, ठीक है, 2 निकाला इसलिए, सो 3.14 × 16 × 4। अब ये दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन, 5 निकल जाएगा कॉमन, सो 3 × 3 × 11 प्लस 2 × 2 × 3, ठीक है। अब कर लो 3.14 × 16 × 4 × 5 × ये क्या होगा 33 3 क्या होगा 99 प्लस 4 3 12, ठीक है। फिर ये होगा 3.14 × 16 × 4 5 क्या होगा 20 × 1 111, ठीक है। तो ये 3.14 × 3 16 2 क्या होगा 111, ठीक है। और फिर इसका आंसर आएगा 111532.8, ओके, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एट ग्राम से, राइट, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ग्राम मास है,
3,15,32.8 का कितना होगा? सो 3,15,32.8 इंटू 8 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 892.2624 kg। ठीक है, ये हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट कर लिया। ओके चलिए नेक्स्ट। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पहले हेमिस्फीयर रखा हुआ है और उसके ऊपर है ना कौन है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके सो ये सिलेंडर है, ठीक है। अब उसके यहाँ पे बॉटम पे टच हो ऐसा क्या है, हेमिस्फीयर है, मतलब कि पहले ये रेडियस कर okay, ये हेमिस्फीयर है, फाइन। और अब उसके ऊपर क्या है, कौन है, ऐसे, ठीक है। तो ये हाइट हुई ऐसे, तो अब जो दिया है ना वो हम लिख देते हैं, पैरामीटर्स जो भी दिए हुए हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मतलब कि कोन की हाइट क्या है, 120 सेंटीमीटर। ओके तो मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये 120 सेंटीमीटर है कोन की हाइट, राइट। फिर और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, मतलब कि उसका कोन का रेडियस, ठीक है, वो है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है मतलब कि ये वाला, ठीक है, वो क्या है, वो है 60 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 60 सेंटीमीटर, राइट। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, मतलब ये 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, मतलब कि सिलेंडर की हाइट है ऑब्वियसली 180 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये 120 प्लस 60 इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब करना क्या है इसके अंदर, तो वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब देखो ये सिलेंडर है ना, पहले तो उसके अंदर पूरा पानी है, ठीक है, फिर उसके अंदर हेमिस्फीयर डाला, उसके ऊपर कोन डाला, ठीक है, तो मतलब पानी सब बाहर आ गया, तो पानी बचा कितना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जो उसके अंदर है, था पहले बिफोर हेमिस्फीयर एंड कोन। ओके तो वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है, बाकी बचा वाटर इतना। तो आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना पड़ेगा एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सो पहले पैरामीटर्स लिख दो सारे सबके,
सिलेंडर का क्या है हाइट एंड दिस, सिलेंडर का कोन का और हेमिस्फीयर का, ठीक है। सिलेंडर का देखो रेडियस है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस है उसका 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h, ठीक है। तो 1/3 × 3.14 × 60 × 60 × 120, तो ये 320 हो गया। तो 3.14 × 20 × 60 × 120, सो 3.14 × ये क्या हो जाएगा अगेन 1200 होगा × 120, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4.52160 cm³, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं, 2/3 πr³, सो 2/3 × π होगा 22/7 इंटू आर है उसका 60, सो इट्स 60 × 60 × 60, तो ये होगा 20, ठीक है। विच इज इक्वल टू 4.52160 cm³, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज 4.52160 + 4.52160, विच इज इक्वल टू 9.04320 cm³, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू πr² h, तो 3.14 × 60 × 60 × 180, विच इज इक्वल टू 2034720 cm³, ठीक है। तो अब क्या होगा फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज व्हाट, 2034720 − 9.04320, विच इज इक्वल टू 1130400 cm³, ठीक है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक, मतलब कि ठीक है, और उसमें ऊपर एक क्या है सिलेंडर है, उसका नेक जो है वो क्या है सिलेंडर। ओके, तो स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि हाइट उसकी है 8 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ये जो है ये क्या है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5
सेंटीमीटर, मतलब इसका जो है डायमीटर हो गया. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी, तो वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज व्हाट 345. चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबाव एज द इनसाइड मेजर. ठीक है, मतलब ये दिया है तो हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली सिलेंडर का और स्फेरिकल का प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट 4/3 πr³ प्लस सिलेंडर का है πr²h. ठीक है, तो 4/3 π इंटू 8.5/2 प्लस पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस है 1 × 1 और हाइट है 8. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ये होगा 2 × 2 ये 2 और 2 ये कैंसिल हो गया. फिर सो दिस विल बी नथिंग बट 3 × 1.39 प्लस 25.12. देखो हमने क्या किया है ना, पाई ले लिया. ठीक है, 3.14. तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. और ऑब्वियसली शी इज़ करेक्ट. ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट यही मेजरमेंट आ रहा है सेम. ओके फाइन. ठीक है, सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुआ, ये चैप्टर ख़त्म हुआ. अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए जो मैंने अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो. और अब मैं 13 चैप्टर लेने वाली हूँ नेक्स्ट. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. हैव अ गुड डे.